मैं हिजाब पे ही आऊँगी यू सेड वन डे दैट अ हिजाब वेयरिंग मुस्लिम विल बी प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है इट्स इट्स ओके टू से मुस्लिम वुमन विल बी

अगर हिजाब पहनने वाली बच्ची जो भारत की प्लोरिज्म डाइवर्सिटी का हिस्सा है नंबर वन उसको आप मान आ, मैं मानता हूं इसलिए उसका सेलिब्रेशन होना चाहिए दूसरी बात भारत के मौजूदा हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं तो एक पंडित प्राइम मिनिस्टर बन सकता है शास्त्री बन सकता है एक सीख बन सकता है तो यह भी क्यों नहीं भाई मेरा इस पर भारत की जमहूरियत पर यकीन है ना इसीलिए तो मैं कह रहा हूं और आप इसको एक हिजाबी मुसलमान के तौर पर मत देखिए एक बेटी के तौर पर देखिए नहीं देखते पर आपने कहा ना हिजाबी बिल्कुल बिल्कुल, का आपने। बिल्कुल, तो वो किसी की बेटी भी हो सकती भारत की बेटी है वो हुँ. उसमें ये कहना कि नहीं कैसा बोला अरे भाई क्यों नहीं अगर शायद मेरी जिंदगी में ना हो बाद में हो होना चाहिए बुरी बात क्या है उसमें नहीं कोई बुरी बात नहीं लेकिन आपने जब कहा हिजाबी तो जैसे आपने कहा हिजाब नहीं पहनेगी तो क्या बिकनी पहनेगी क्या ये रिडक्टिव नहीं हुआ नहीं 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 सवाल कर, क्या सवाल किया गया था सवाल ये, ये नहीं, सवाल जब मुझसे पब्लिक नहीं नहीं, नहीं, नहीं मीडिया नहीं पूछा था तो मैंने कहा कि भाई आ, ये क्यों बोल रहे हैं अभिजाप के बारे में मतलब भाई जिजाब जिसको पहनना है पहने ना पहना ना पहने मगर जो तो तो पहनता है आप ये कैसा बोलेंगे कि ये नहीं पहनना चाहिए ये फोर्स मत करो ये पहनो वो मत पहनो हम भी बोले भाई जिसको जो पहनना है पहनेगा आप किसी को आ, फोर्स कैसा करें मैंने जिसने जो पहना पहनेगा नहीं आपने ये भी कहा कि अल्लाह ने फरमाया है अब मैं अल्लाह से भी नहीं पूछ सकती ना मैंने कुरान पढ़ा है तो आप बताइए मुझे ने, आप इन योर व्यू मैंने ये कहा कि कुरान में इसका जिक्र है कि न, आ, मर्द हजरात के लिए हिजाब वो अपनी नजरों को नीचे रखे और कोई गैर महरम अगर औरत होती तो उसको आप हाथ नहीं लगा सकते वहीं पर महिलाओं के लिए या तो आप हिजाब पहने चादर ओढ़ें या निखाब करें ये कुरान में है इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता अच्छा कोई जोर जबरदस्ती भी कोई नहीं कर सकता जो पहन रही हैं कम से कम आप उनको तो डिग्रेड मत करिए उनका एक फेथ है उनका एक कल्चर का हिस्सा भी है वो और वो उसको फॉलो कर रहे हैं कल्चर का हिस्सा है या एक कंडीशनिंग है सर नहीं बहुत नहीं। सारे लोग जैसे आ, इवन घूंघट अगर घूंघट को बहुत नीचे तक ले जाते हैं तो देर बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं आप आ, दिल्ली में हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं जाम मिलिया इस्लामिया देख लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी देख लीजिए मैंने गैर मामूली बच्चियाँ हिजाब भी पहन रही हैं नखाब भी पहन रही हैं और अला तालीम हासिल कर रही हैं हैदराबाद में आप आइए सब पहनकर बेहतरीन तरीके से मोटरसाइकिल चलाती हैं गाड़ी चलाती हैं इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बिल्कुल नहीं है और अगर कोई फोर्स कर रहा है तो अलग बात है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर कोई अपनी मर्जी से अपनी फेद के लिए अपने कल्चर के लिए पहन रहा है तो फिर क्या है उसमें भारत के संविधान में इजाजत है आपको तो आप जो ईरान में हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहते हैं यही तो कॉन्ट्रोडिक्शन है यहां पर पहनना चाह रहे तो क्यों पहनते अरे वहां नहीं पहनना चाह रहे तो अब मुझे बोला जा रहा है कि आप उस पर बोलो तो आप बोलते तो है हर चीज नहीं 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 आप हर बात न्या 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 पे बोलते ईरान के बारे में मैं क्या बोलूंगा ईरान के बारे में तो हिजाब के बारे में ने, 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 नहीं नहीं ईरान नहीं ईरान के बारे में वो एक थियोक्रेटिक कंट्री है भारत एक थियोक्रेटिक कंट्री नहीं है वहां पर एक रिलीजियस नॉर्म है उनका वहां पर कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता जब तक उनका सुप्रीम लीडर उसको अप्रूव ना कर दे तो ईरान को भारत से मिलाना मैं समझता हूँ भारत की बेजती है ये यहाँ पर एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हम अपनी प्लोरिज्म को डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं हुँ. अब उसको ले जाकर ईरान से मिलाना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है जी आई विल कम टू दिस क्वेश्चन ऑफ लव जिहाद अब इट्स अ मिस आप विकीपीडिया खोलें तो वो कहेंगे कि इट इज़ एन इस्लामोफोबिक

If somebody wants to marry and they're adult, who are you to stop? How are you going to stop it? The, the, uh, the case of Kerala went right up to Supreme Court. NIA was given the investigation. It turned out to be completely false. The girl came and said, no, I, I, I have decided that I love this person and I want to get married to him. Hmm. So this is used uh, uh, to unnecessarily uh, target the Muslim community to create more hatred. And to create a fear of Muslims among, among, among the majority community. I mean, give us the data, come on. If the law enforcement agencies are so particular about it, give it to the people. Give it to ANI that, okay, we have this number state wise, wherein uh, this is happening. You don't give numbers. I will tell you a classic case of Madhya Pradesh. A Hindu girl married a Muslim boy. She called me from Madhya Pradesh that because i got married to this boy uh, the local dm along with bjp went and demolished that boy's home and their bakery she had to go to jabalpur high court and said that look i got married i'm adult the court had to intervene so this is and will the does the constitution stop anyone from uh, uh, getting married to someone if they, if they are uh, adult if they are of marriageable age no But you want to create this love jihad? Where is the data of love jihad? The so-called love jihad? You don't have any data. You are creating, uh, uh, you know, a fear of of the Muslim community, which is leading to more uh, hatred for the Muslim community. And know, where is it? There is no data. Look at the uh, petitions that are being filed. If you read that, you you want stop laughing? अरे क्या लिख रहे हैं? कुछ है ही नहीं इसमें। आप खाली एक 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 हवा क्रिएट कर रहे हैं। दमी नहीं है कुछ इसमें। आप है डेटा बताइए। आप कैसा रोकेंगे उसको कन्वर्जन के लिए जो शादी होती है उसको लेके कंट्रोवर्सी कि अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की या क्रिश्चियन लड़की से शादी करना चाहता है तो इट इज कन्वर्जन और उसके बाद वो इट इज गिवन द द गार्ब ऑफ लव इसीलिए लव जिहाद तो आप नहीं मानते कि कन्वर्जन के लव हो रहा है कन्वर्जन के बहाने नहीं जब मोहब्बत हो रही है तो आ, उ, 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 उसको कौन रोकेगा जब मियाँ बी राजी तो क्या करेगा खासी अच्छा फिर आप ये बताइए अगर मुसलमान काजी काजी ल... पे ही तो इल्जाम हो रहा है कि ने, काजी ने, कर ने, अगर, रहा है है कि बता रहा हूं अगर मुसलमान लड़की आर्य समाज मंदिर जाके शादी करती तो उसको बोलते घर वापसी होगी उसकी अगर ये बात कितने लव... हो रहे हैं हो रहे हैं हो रहे हैं स्पेशल मैरिज एक्ट हमने बनाया क्यों बनाया स्पेशल मैरिज एक्ट हमने इसलिए बनाया कि जो रिलीजियस तरीके से शादी नहीं करना चाह रहे आप स्पेशल मैरिज एक्ट कर लीजिए वो तो बहुत प्रोग्रेसिव एक्ट है। नहीं 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 स्पेशल मैरिज एक्ट है मगर मुसलमानों को आपने नहीं रखा मुसलमान नहीं है उसमें आपने आदिवासियों को अलग रख दिया स्पेशल नहीं, नहीं क्या मुसलमान अलग कैसे प्रोग्रेसिव मैरिज uh, में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी में सेक्शन टू है जो मु, मुस्लिम है मगर स्पेशल मैरिज एक्ट है हाँ. आप अगर कोई उसमें शादी कर दो तो बोलेंगे आप? नहीं, स्पेशल मैरिज एक्ट में लड़की को इतने सारे राइट्स मिलते हैं जो वैसे नहीं मिलते मैं वही तो बता रहा हूं अगर कोई स्पेशल मैरिज एक्ट करता है तब भी लव जिहाद कर रहे हैं अगर कोई स्पेशल मैरिज एक्ट में नोटिस दी जाती है लव जिहाद कर रहे हैं मतलब इल्जाम लगा रहे हैं लड़का मुसलमान है या लड़की मुसलमान है लड़का लड़का लड़की को रिलीजन के तो उसमें भी इल्जाम लगा तो रहा है अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई लड़की मुसलमान लड़की आती है और कहती है कि हिंदू लड़के से शादी करनी है तो आप क्या एडवाइस देंगे कि के तहत आप करें? कहूंगा कि तुम्हारी उम्र क्या है हुँ. जाओ मर जो करना कर लो तुम और मेरे पास एन एल्डर द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज यू So if the constitution, care the constitution allows yes, you, right? Yes, exactly, Ji. exactly. They do huh. it. Huh. Who's stopping you? <laughs>